हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पिक्चर कंपोजिशन बताऊंगा। पिक्चर कंपोजिशन से आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, यानी स्टोरी भी बना सकते हैं और पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो पिक्चर कंपोजिशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पिक्चर कंपोजिशन होता है कि आपको एक पिक्चर दिया हुआ रहता है और उस पिक्चर को देख करके आपको सेंटेंसेस को लिखने होते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पिक्चर समझने की क्षमता और योग्यता बढ़ती है, साथ ही साथ लिखने की क्षमता योग्यता बढ़ती है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक एक्सरसाइज वन देखिए, यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर को आपको देखना है और समझना है, समझे ना। देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 7 sentences, यानी इस पिक्चर को देख करके आपको 7 sentences को लिखना है। नीचे आप पिक्चर को भली भांति देख लें, समझ लें। ये एक स्कूल का पिक्चर है और क्लासरूम्स, दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि सब कुछ नज़र आ रहे हैं और स्कूल से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो आप लिख सकते हैं। नीचे देखें, पहला सेंटेंस लिख दिया गया है दिस इज़ माय स्कूल, साथ में से एक लिख दिया गया दिस इज़ माय स्कूल। चलिए आपको आगे बढ़ाना, दूसरा क्या लिखना है। आप स्कूल का नाम भी दे सकते हैं, तो स्कूल का नाम दे सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, लिख सकते हैं द नेम ऑफ स्कूल इज RKM। ठीक है, द नेम ऑफ स्कूल इज RKM। RKM मीन्स रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो नंबर 2 सेंटेंस आपका हो गया द नेम ऑफ स्कूल इस RKM। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं आप लिख सकते हैं कि आपके स्कूल कैसा है। माई स्कूल, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं, माई स्कूल इस बिग। जी हाँ, एक और सेंटेंस हो गया, नंबर 3 सेंटेंस हो गया कि मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। अब स्कूल का फिगर देख लें, पिक्चर देख लें, उस हिसाब से आपको लिखने हैं। नंबर फोर आप लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, अपने स्कूल के जो क्लासरूम्स हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, टीचर के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए क्लासरूम के बारे में लिख लेते हैं, माय स्कूल हैज़ 20 classrooms, शॉर्ट में लिख दिया, माई स्कूल हैज़ 20 classrooms। ठीक है, तो नंबर 4 हो गया। चलिए नंबर 5 आप देख लेते हैं किस तरह के सेंटेंस। स्कूल का फिगर आप देखिए और समझिए, बनाइए। आपका स्कूल कैसा लगता है वो भी लिख सकते हैं, माई स्कूल लुक्स ब्यूटीफुल। आप लिख दें माई स्कूल लुक्स ब्यूटीफुल। चलिए बहुत अच्छे, नंबर 6 आप देखें, नंबर 6 में क्या लिख सकते हैं, टीचर्स आर ऑनेस्ट। यानी इसको इस स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि टीचर जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट है। चलिए बहुत अच्छे, नंबर सात में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट के बारे में, ठीक है, माय स्कूल हैज मोर देन 2000 आप 2000 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और पिक्चर कंपोजिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूल का फिगर है और इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।